आबरी हो जाओ वाह बेटा हां मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवई सर्वाधार भोर भजत शिव चिरियन जागो नीलो वारंवार प्रेम से बोलिए श्री सत्तू करे महाराज सतगुरु सतगुरु हम सत्तू गड़े नहीं सतगुरु के जे वाह रे वाह गुरु महाराज बुद्धि दल का हमरा अगर नाम राखे ले क्या वाह रे वाह क्या नाम रखो ये को रोज करे ने झोरा के था अरे ये कर नाम राखी तो गईचा देखिए गईचा राजा पता नहीं तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा कैसे कर दिया हे कैसे कैसे कर दिया मकई के तुम बिजेड़ो मेरे बच्चे का नामकरण तू नहीं कर सकेगा बिजली इसका नाम मैं रखूंगा सुनो आज से इस राज का लोग मेरे बच्चे को उत्तम कुमार कह करके पुकारेगा क्या हुआ रे एक लौवा का तीनों मुरल वो कैसे घर उत्तमपुर सर ठीक आपका नाम राजा उत्तानपाद सिंह उत्तानपाद सिंह आप पुत का नाम उत्तम कुमार तो एक लौवा का तीनों मुरल ले बेले बेकूप कहीं का एक लौवा का हुआ कि एक राशि हुआ रे गधा राशि हम के एक लौवा का तीनों और जाएगा पढ़ने के लिए महारानी कुछ दिनों के बाद इसको मार मार के भगा दूंगा दरबार में नहीं रखूंगा भगाए तो वो तो नौकरी के हमर बाबू करता दूसरा रखेंगे दूसरा रखबो हमरो इन्होंने नहीं मिलता हम करे खिलवे बला चल निकल महारानी हाँ स्वामी जी चलो हम लोग हवेली चलते हैं और महारानी तुम्हें आराम की जरूरत है चलिए स्वामी जी आहे देरी ना हेला आ गई हा हेरानी चाहती हूँ अब मेरा पुत्र बड़ा हो चुका है और मैं आप लोगों को बता ही नहीं मैं अपने पुत्र का क्या नाम रखी हूँ मैं अपने पुत्र का नाम रखी हूँ ध्रुव कुमार और आज मैं आप लोगों को मैं अपने पुत्र को दिखाऊंगी आपके सामने पेश करूंगी हेलो
भगवती वाश्री वाई नमः। प्रणाम माताजी। खुशरो पुत्र, पुत्र तुम झोपड़ी छोड़ के कहाँ चले जाते हो पुत्र? तुम तो जानते हो पुत्र इस घनघोर जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर रहते हैं। अरे तुम्हें कुछ हो जाएंगे पुत्र, मैं कैसे रहूंगी पुत्र? माँ तू चली जाती कहीं रोटी मांगने के लिए, माँ अपने झोपड़ी के पास कर बैठ कर माँ भगवान के तपस्या में रहता हूँ माँ। और मैं इस जंगल में माता जी भजन गाता हूँ माँ, मेरे भजन सुन के माँ जितनी जंगल की जानवर है सब खुश हो जाते हैं। क्या पुत्र तुम जानवरों को भजन सुनाते हो? हाँ माँ। लेकिन कभी अपनी मैया को भजन नहीं सुनाए पुत्र, ऐसा क्यों पुत्र? लेकिन माँ बहुत जोर से मुझे भूख लगी माँ, कुछ रोटी मांग को नहीं लाए हो पुत्र? आज ने कुछ भी मांग के नहीं लाए हो पुत्र। क्या प्रभु के भजन गाने से माँ क्या हमें रोटी मिलेंगे माँ? क्यों नहीं पुत्र, यदि भगवान का गुणगान करोगे अवश्य मुझे कोई भिक्षा अवश्य देंगे पुत्र। हमारी माता कहना बेटा प्रभु के भजन गाने से जरूर तुम्हें रोटी मिलेगा। तो आइए हमारे संत सम्राट सद्गुरु कबीर की वाणी में आइए। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो कि जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। मन मरान माया मर जाती है शरीर, या सा तृष्णा कब हो ना मरी कह के दास यह कभी। ओ कहिया के चू